गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, दिल्ली फ्रेश मार्केट में आप सभी का स्वागत है। 7 तारीख दिन शुक्रवार के सपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूँ टमाटर मंडी में। आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह का ग्राहकी है इस समय। दोस्तों आप जो क्रेट देख रहे हो नीचे में और बाकी उधर सामने में जो गाड़ी है, उधर गाड़ी है जी औरंगाबाद और अपना जो है महाराष्ट्र के कई सारे एरिया से टमाटर आता है और बेंगलोर का गाड़ी है जी सामने। बाकी ये जो जितने भी नीचे क्रेट है ये सारा, ये सभी कोटपुतली राजस्थान का टमाटर है। दोस्तों जान लेंगे आरती साहब से कितना बैलेंस है, कितना फ्रेश अराइवल है आज। कितना आवक रहा जी आज? नमस्कार सर, आज कल के बनिस्बत आज मंडी में माल कम आया है, ठीक है। अच्छा जी, कोटपुतली का वही माल, नासिक का माल और रतलाम के माल कुछ कम आया कल, कल से कम आया। अच्छा जी, और आज 10-20 रुपए की चलान है आज से। अच्छा जी, तो सर जी अगर बात करें अपना जो ये अपने पास जो हाइब्रिड टमाटर आया है ये कहाँ का है और क्या रेट बिका जी? नासिक का है, ये थोड़ा टमाटर पीला है, ये बिका 670 रुपये, 650 रुपये। अच्छा जी, 670 से लेकर के 650 रुपये तक। और जो 16 एक आठ लाट 700 भी गए जी? 700 रुपये। अच्छा जी, और ये जो सोलापुर अपना जो पीपल गांव और जो अपना नारायण गांव है, सोलापुर के माल बिके हैं 800 रुपये, अच्छे माल सोलापुर के जो माल है चमकदार टमाटर है। अच्छा जी, जिस टमाटर में चमक है, मजबूत है, वो टमाटर बिके 800 रुपये। अच्छा, जो कलरफुल माल है, रेड कलर में, कलरफुल। अच्छा जी, और जो अपना नारायण गांव से भी आया था सर जी, नारायण गांव पीपल माल कहीं के भी हो, लाल टमाटर का रिपोर्ट 800 रुपये है, और जो टमाटर का रिपोर्ट 650-670 रुपये रिपोर्ट। और जो अपना दूसरा जो आता है सर महाराष्ट्र से, जैसे औरंगाबाद से भी आता है टमाटर, देसी टमाटर, तो उसका क्या पोजीशन रहा? औरंगाबाद का साउथ टमाटर बिका है आज 1000 रुपये का। अच्छा जी, और जो दूसरा बीज है वो बिका है 550-600-700 रुपये। अच्छा जी, 440 वाला जी? हाँ, 440 बीज है वो 550 से लेके 700 बीज में बिका है। अच्छा, और साउ बीज बिका है 1000 रुपये के बीच में। अच्छा जी, 1000 रुपये तक गया है जी? हाँ, साउ बीज। अच्छा जी, और सर जी अगर बात करें जैसे अपना ये महाराष्ट्र औरंगाबाद से जो टमाटर आ रहा था 440 बीच हो या साउ, तो इस समय जो क्वालिटी किस तरह का है और कितने दिन अभी चलेगा महाराष्ट्र औरंगाबाद? क्वालिटी अभी साहू की ठीक है, 440 बीज है जो खत्म है मामला। अच्छा जी, साहू बीज ठीक है, अभी साहू बीज 15 दिन लगभग खींचेगा। अच्छा जी, ये मतलब औरंगाबाद कन्नड़ घाट के माल जो है वो 15 दिन खींचेंगे अभी। अच्छा जी, हाँ मतलब 15-20 दिन और खींचेगा जी औरंगाबाद। और कोटपुतली का माल ज्यादा बढ़ता जा रहा है, अब रेशियो पकड़ जो है कोटपुतली का माल। अच्छा जी, अब धीरे धीरे कर लीजिए, परसों थी 1500 ग्रेड मंडी में, आज 2000 है, 2500 हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा रोज। आज 6000 क्रेट का रिपोर्ट है सर जी? नहीं, 6000 रिपोर्ट नहीं है, 6000 का जो रिपोर्ट दिया है कोटपुतली गलत रिपोर्ट दिया है, मंडी में लगभग 3000-3200 ग्रेड कोटपुतली है। अच्छा जी, 3000 से लेकर के 3200, हाँ इतना ग्रेड का कोटपुतली है। अच्छा जी, अच्छा जी, और सर जी अपना जो दूसरे इलाके से आ रहा है जी, रतलाम हो गया या फिर अपने बेंगलोर वाले साउथ के टमाटर है, उनका क्या पोजीशन चल रहा है? साउथ का टमाटर भी क्या है 800 से, सॉरी बेंगलोर का टमाटर भी क्या है 800 से लेके 1000 के बीच में, ठीक है। अच्छा जी, और जो रतलाम भी क्या है 550 से लेके 750 तक। अच्छा जी, तो रतलाम से कौन सा हाइब्रिड टमाटर आ रहा है? अच्छा जी, हाइब्रिड टमाटर आ रहे थे। अच्छा जी, और सर जी एक बार ये बताओ जी, बेंगलोर से अभी जो है कौन कौन सा एरिया से टमाटर आ रहा है और कितने दिन आएगा अभी? देखिए बेंगलोर अब खत्म हो जाएगा आने, क्योंकि कोटपुतली जब मंडी में आ जाएगा ना, तो कोटपुतली के आते ही कोई टमाटर भी जो देसी है नहीं चल पाएगा। अच्छा, क्योंकि ये नजदीक एरिया है, थोड़ा तुरंत मतलब कि सुबह जाओ शाम को, सुबह जाओ शाम को, ताजा एकदम बिल्कुल माल मिलता है ये। अच्छा जी, हाँ, तो इसके आगे कोई क्या नाम है बेंगलोर कोई नहीं चलेगा। अच्छा जी, सब मतलब जब इसका आवक बढ़ जाएगा तो बेंगलोर साउथ वाला एरिया कम हो जाएगा। 10 दिन में ये कम से कम 10 सर्किट पर आ जाएगा। अच्छा जी, 10 दिन के अंदर में ये 10 सर्किट अपने हमारी मंडी में आने लगेगा ये। अच्छा जी, तो फिर जब इसका जोर पकड़ लेता है सर कोटपुतली का, तो कौन कौन से एरिया से माल आता है जी? कोटपुतली आएगा, शिवपुरी आएगा देसी में। अच्छा जी, बाकी रतलाम में भी थोड़ा बहुत देसी होती है, इंदौर में भी देसी होते हैं, वहाँ से भी आते हैं। अच्छा जी, हाँ, बाकी बेंगलोर नहीं आएगा, क्योंकि बेंगलोर का जो खर्चा वो 250 रुपये का खर्चा बेंगलोर का। अच्छा जी, वो खर्चा बहुत मार करता है यहाँ पे। अच्छा जी, मतलब महाराष्ट्र हो गया और अपना जो है शिवपुरी यूपी वाले एरिया, शिवपुरी देसी आएगी सिर्फ शिवपुरी से और रतलाम से और इंदौर से और कोटपुतली की, और कहीं का देसी नहीं चलेगा 15 दिन के बाद। अच्छा जी, अच्छा, क्योंकि ये कोटपुतली आते ही जो है ना सब मामला बंद कर देगा, किसी को भी नहीं चलने देगा कोटपुतली। अच्छा जी, क्योंकि ये किसानी माल है, और सुबह तोड़ो शाम को आओ, शाम को तोड़ो सुबह आओ, ये हिसाब है इनका। अच्छा जी, तो सर जी अगर बात करें जो दूसरा टमाटर आपने बताया इंदौर वगैरह का,
तो इंदौर वगैरह में और कितने दिन बाकी है सर? इंदौर का टमाटर चल चुका है अभी, हाईब्रिड जो जो पहले लगाए हैं लोगों ने पौधे वो हाईब्रिड चल चुके हैं, बाकी 15 दिसंबर से मतलब कि पूरा माल चल जाएगा, चालू हो जाएगा। अच्छा जी, हिमसोना वगैरह सारा? हाँ, दिसंबर से पूरा माल चलेगा, एक महीने के बाद लगेगा। अच्छा जी। बाकी अभी हाईब्रिड कम से कम चलेगा वहाँ का, इंदौर का एक महीना भी। अच्छा जी। और हाईब्रिड कुछ लोगों ने साहो भी लगा रखा है वहाँ पे, साहो भी चलेगा। बाकी दिसंबर से प्योर हिमसोना जो क्वालिटी होता है, बेस्ट क्वालिटी होता है। अच्छा जी। पूरे मतलब कि हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट क्वालिटी हिमसोना की है वो इंदौर में होती है। अच्छा जी। और सर जी, अगर बात करें हिमाचल वाले टमाटरों का, तो आज हिमाचल का टमाटर कितना आया था मंडी के अंदर? और हिमाचल क्या भाव की चार गाड़ी थी, सिलाई नरवा की और मोरनी के, वो बिकते हैं 1100 रुपए, 1100 हल्के माल 900 रुपए। अच्छा जी, 900 से लेकर के 1100 रुपए का बाजार है। अच्छा जी। सर जी, थोड़ा शिवपुरी के बारे में भी बता दो, शिवपुरी में जो है अभी कितना दिन और बाकी रह गया और किस तरह का क्वालिटी देखना मिलेगा? शिवपुरी का माल चल चुका है, ठीक है। अच्छा जी। लेकिन अभी उतना नहीं बन रहा है कि जो दिल्ली लोडिंग हवाले से किया जाए, जैसे कि वहाँ से एक पिकअप दो पिकअप निकल रही है और दिल्ली हमारी मंडी लोड करने के लिए कम से कम भी गाड़ी में कम से कम गेट चाहिए 450 रुपए। अच्छा जी। और सर जी, ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि शिवपुरी से जो टमाटर आएगा तो क्या रेट मिल सकता है इस मंडी के अंदर और किस तरह का क्वालिटी देखना? शिवपुरी से टमाटर मिलेगा तो कम से कम उसका रिपोर्ट मान के लिए 700 रेंज में रिपोर्ट रहेगा आज का बाजार। अच्छा जी। हाँ, बाकी डिपेंड करेगा आवक पे। आवक। अच्छा जी। मतलब 700 का रेट मिल सकता है? मिलेगा मिलेगा। अगर क्वालिटी की बात करें तो सर, क्वालिटी कैसा सुनने को मिल रहा है? क्वालिटी अच्छी होती है, जो तार बांस के माल होते हैं बहुत बढ़िया होते हैं वहाँ के। अच्छा जी। और जो जमीनी माल होते हैं थोड़ा मट्टी लग जाती है। अच्छा जी। एक बार सर जी, अपना आड़त नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। अपना आड़त नंबर 7 नंबर दुकान है अपना केशपुर मंडी में, मलक फर्म का नाम HNS, मोबाइल नंबर 9310661246। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का दो जी राजस्थान कोटपुतली का अपडेट जी, आज जो कितने हजार आया जी क्रेट और कल के मुकाबले जो है कितना बैलेंस है कल से और आज कितना फ्रेश है जी? तो माल तो जितना कल था उतना ही आज है कोटपुतली का। अच्छा जी, 6000 आज भी है जी? हाँ, 6 नहीं तो 5500 क्रेट तो आज भी है। अच्छा जी। हाँ, कुछ कल बैलेंस भी था या सर फ्रेश है? ना ना, फ्रेश है, बैलेंस किसी का कोई नहीं बचा था, सब बिक गया था। अच्छा जी। मतलब देर सवेर सबका बिक चुका था? हाँ, बिक चुका था। अच्छा, तो आज क्या रेट खुला सर जी? भाई यही चला 600 से 700 रुपए, कोई हाईएस्ट 750 भी बिके एक आध लाट। अच्छा जी। हाँ, रेट वही कल वाला ही समझो जो कल है वही चला, 750 से लेकर 750 रुपए। हाँ, ये भी क्या बात करें सर जी, वजन का तो वजन कितना आ रहा है जी इसमें? वो 25-26 किलो आ रहा है वजन। अच्छा जी। हाँ। और अगर ग्राहकी की बात करें तो सर आज ग्राहकी कैसा है जी? ग्राहकी ठीक है, आ रही है, ग्राहक के बिक रहे, आहिस्ता आहिस्ता ग्राहक निकल रहा है, अब बिक रहा है जो है। अच्छा जी। तो क्लियर हो जाएगा जी? हाँ, क्लियर हो जाएगी मंडी आज जो है। अच्छा। कल उम्मीद है कल ऊपर बिके, आज मंडी जल्दी खाली होने की उम्मीद है। अच्छा जी। कल 20-30-50 रुपए कल तेजी रह सकती है। हाँ, ये लगे तो अपना जो राजस्थान का कोटपुतली का जो माल आ रहा है सर जी। हाँ। तो इधर कोटपुतली वाले को जो है क्या रेट इस महीने तक देखने को मिल सकता है सर, एक एवरेज थोड़ा अनुमान बताओ जी? एवरेज चलेगी यही 700-800, 550-600। अच्छा जी। हाँ। मतलब 600 से लेकर के 800 रुपए तक बाजार चलेगा जी? चलेगा इस महीने। इस महीने। अच्छा जी। सर जी, एक बार जो है अपना मोबाइल नंबर और आड़त का नाम बता दो जी। 344-345 राज सिंह यादव, 98-112-63-130। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप सभी भाइयों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना जिस भी मंडी से आप टमाटर खरीद रहे हो वहाँ का एक बार रेट कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना जी।